नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल भानुशाली और आज हम चर्चा करेंगे डिप्रेशन के विषय में। जी हां, विश्व भर में 10 में से 3 से 4 लोग इस डिप्रेशन की चपेट में है। क्या होता है डिप्रेशन? ये कोई मेंटल डिजीज है या इसे जैसे लोग कहते हैं कि ये पागलपन है, इससे बाहर नहीं निकला जा सकता, केवल दवाइयां ही इसका एकमात्र उपाय है और ये दवाइयां लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है? तो जी, ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भी रूल नहीं है। दो महान व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताऊंगा जो ये डिप्रेशन की चपेट में थे और किस तरह से उन्होंने इस डिप्रेशन पर मात किया है। तो सबसे पहला नाम है अर्जुन का। अर्जुन बहुत ही श्रेष्ठ धनुर्धारी था, उत्तम शिष्य था, लेकिन फिर भी वो जब रणभूमि में था, महाभारत का जब युद्ध छेड़ा जा रहा था, तब अपने सामने अपने भाइयों को देखकर उस युद्ध में वो एक डिप्रेशन की स्टेट में चला गया था और उसने भगवान कृष्ण को बोल दिया था कि सिदंति मम गात्राणि, यानी कि मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, वेपतुष्य में जाए थे, मुझे पूरे शरीर में कंपन हो रही है, मेरे पास इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं इस शस्त्र को उठा पाऊं। तो वो कहता है कि चलो मुझे इस युद्ध भूमि से निकालकर कहीं दूर ले चलो, मुझे कोई सत्ता का लालच नहीं है, ना ही मुझे किसी पर विजय पाना है। तो यही अवस्था हमारी होती है। आज हमारे लिए हमारे शत्रु अलग है, हमारे युद्ध अलग है, हमारी रणभूमि अलग है, लेकिन जब मंडे मॉर्निंग को उठकर आपको लगता है कि मुझे काम पर नहीं जाना है, तो हो सकता है कि आप डिप्रेशन में है। आपकी नींद अगर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे 2 बजे नींद खुल जाती है और फिर नींद लगने में तकलीफ होती है, तो डेफिनेटली ये डिप्रेशन है। तो क्या ये डिप्रेशन माइंड में केमिकल इम्बैलेंसेस होने के कारण होता है? क्या केवल इतना ही उसका कारण है? तो जी नहीं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी डेफिशिएंसी या कमतरता के कारण ये डिप्रेशन हो सकता है। इसमें मुख्यतः एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है सनलाइट। अगर आपको सनलाइट नहीं मिलती है, जिसके कारण जो मिलने वाला विटामिन डी है, इसकी अगर आप में कमतरता है, तो इस तरह का डिप्रेशन होता है। साथ साथ बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे पोटेशियम है या फिर जिंक है, कैल्शियम है, इनकी कमतरता के कारण भी इस तरह से डिप्रेसिव थॉट्स आते रहते हैं। साथ ही ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि किस तरह की विचार सरणी हम रखते हैं, किस तरह की पुस्तकें हम रीड करते हैं, किस तरह के न्यूज हम रीड करते हैं, इस पे भी हमारे थॉट्स निर्भर करते हैं। तो जितना हो सके उतना नेगेटिव चीजों से बचे, नेगेटिव न्यूज से या नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को परावृत रखें, हर चीज में एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, और इसकी हमें आदत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस से ये संभव है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि अर्ली मॉर्निंग सनलाइट में अगर आप वॉक करते हैं तो ये आपके डिप्रेशन को काफी हद तक कम करेगा। नंबर वन, खाने पीने में आप में दूध और घी की मात्रा होनी चाहिए, फ्रेश वेजिटेबल्स आपके खाने में होने चाहिए। जो भी खाना आप खाएंगे, ध्यान रखें वो फ्रेशली कुक्ड हो, ऐसा ही खाना आप खाएंगे, बासी खाना ज्यादा से ज्यादा आप नहीं खाएंगे। और एक 15 से 20 मिनट्स का जो एक्सरसाइज है, जैसे मैंने बताया मॉर्निंग वॉक अगर आप करते हैं तो उतना सफिशिएंट है, या फिर जो भी स्पोर्ट्स आप पसंद करते हैं उसमें आपका समय व्यतीत कीजिए, या साइकिलिंग हो, टेबल टेनिस हो, लॉन्ग टेनिस हो, या फिर बैडमिंटन हो, एनीथिंग जिसमें आपको रुचि हो, ऐसे कोई ना कोई शारीरिक एक्टिविटी आप रखिए, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ वंस इन अ मंथ, वंस इन अ 15 डेज शरीर में मसाज करना, स्टीम लेना, शिरोधारा जैसी ट्रीटमेंट है,
इनका उपयोग करना, इससे भी आपके शरीर जो बॉडी है वो रिलैक्स होती है, माइंड रिलैक्स होता है और एक नव चैतन्य बॉडी में निर्माण होता है, जिससे आपका जो भी डिमोटिवेशन है वो मोटिवेशन में रूपांतरित होता है, आपके थॉट्स इम्प्रूव होते हैं, आपके मन में हर्ष और या नई उम्मीद की किरण जागती है। जैसे कि हमारे जो थॉट्स है वो हमारे एक्शंस को ट्रिगर करते हैं, उसी प्रकार हमारी एक्शंस भी हमारे थॉट को ट्रिगर करती है। तो डिप्रेसिव एक्शन ना रखे, इस तरह से शोल्डर ड्रॉप्स, डिप्रेसिव अवस्था में बैठना, ये आप अगर चेंज करते हैं, आप स्ट्रेट, आपका स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रखिए, हेड स्ट्रेट रखिए, शोल्डर्स देखिए आपके पीछे होने चाहिए, जब भी आप बात करें तो डिप्रेशन की, नेगेटिव की बात ना करें, उम्मीदों की बात करें, होप्स की बात करें, तो निश्चित ही आपके जो थॉट्स है वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगे, आपके मन में मानो कि एक आनंद लहर उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी और फिर आपके एक्शंस ट्रिगर होंगे, आप जो करना है, जो उचित चीजें करनी है वही हम करेंगे। तो जैसे मैंने पहले बात की दो लोगों की, सबसे पहले थे अर्जुन, अर्जुन के विषय में मैंने आपको बता दिया। दूसरे व्यक्ति जो इस डिप्रेशन की चपेट में थे वो थे अब्राहम लिंकन। अगर आप अब्राहम लिंकन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड उनका पूरा जीवन इस डिप्रेशन में गया है, लेकिन इस डिप्रेशन का उचित उपयोग उन्होंने अपनी उन्नति के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए उन्होंने उपयोग में लाया है। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो चिंता ना कीजिए, उम्मीद मत हारिए, फाइट बैक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, सनलाइट लीजिए, प्रॉपर फूड खाइए, मसाज, स्टीम, शिरोधारा लीजिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे थॉट्स के बारे में सोचिए। ऐसा करने से निश्चित आपको लाभ होगा। मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके डिप्रेशन में से आपको बाहर निकालने में काफी मदद करेगा। धन्यवाद।